हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। रात का टाइम है और ये है रेड इवन का 15वां पार्ट। मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, जानता हूँ, पर क्या करूँ यार, बिजी हूँ थोड़ा सा, काम में बिजी हो गया था अपने, और कोई जैसे वीडियो कर रखा है वहाँ पे भी, इनको भी चैन नहीं है बहन, जो रात को ही मैसेज करते रहेंगे। बस गाना में गुज्जो बहन के दौड़ो और सब ग्रुप ज्वाइन करके पता नहीं क्या अपनी गांव में डंडा देने वाली बातें होता है। लीव करता हूँ अभी, क्या म्यूट मारो था, म्यूट कहाँ से मरता है इसमें हेरा। म्यूट फॉर ऑलवेज, ना 8 वीक ना 1 आवर बहन, जो दिमाग खराब करते रहते साले। तो यहाँ चढ़ गया ऊपर, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया तो मेरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है इन द सेंस कि मतलब दुनिया कैसे ख़त्म होती है, इंसान कैसे ख़त्म होता है, ये नहीं कि वो मर गया तभी ख़त्म हो रहा है ना। इंसान तब ख़त्म होता है जब उसके अंदर की फीलिंग्स वगैरह या इंसानियत, इंसानों के जो करैक्टरिस्टिक है वो ख़त्म हो जाते हैं, तब इंसान मरता है, ठीक है। वैसे ही दुनिया भी तभी ख़त्म होती है जब वहाँ की परंपराएं वगैरह या जो भी रूल्स नियम है, जो मर्जी नोड़ा नस्सन बहन चौध, वो सब ख़त्म हो जाता है, तब वहाँ की ख़त्म हो जाती है वो इंसानियत वगैरह जो भी है, ठीक है। और भाई तुम्हें अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरा एक और चैनल है, मतलब था बहुत पहले से, मैं यूज़ नहीं करता था उसे, बट सोचा कि चलो भाई लोगों को बताना है तो चैनल दोबारा से स्टार्ट करा जाए, तो मैं वहाँ डाल रहा हूँ वीडियो। अब 4 वीडियो डल जाएगी, कल भी पोस्ट होएगी एक, ठीक है। कल है फ्राइडे है, कल 29 तारीख है फ्राइडे, कल भी होएगी एक वीडियो पोस्ट, और 3 पहले हो रखी है क्योंकि टाइम लग रहा है वीडियो को बनाने में। एंड एज़ यू नो अब 2-2 चैनल हो गए, वैसे चैनल तो बहुत है पर मैं रोऊंगा नहीं यार, मैंने दुखड़ा नहीं रोऊंगा मैं तुम्हारे सामने कि काम है या बिजी नहीं, वैसे कोई नहीं, टाइम निकाल दूंगा मैं, जस्ट ये है ना बात, अभी हो रही है रात, ठीक है, रात हो रही है और बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं, 1:58 AM टाइम है, और तारीख है 9/28/2023, ठीक है। ये वीडियो संडे तक आ जाएगी तुम्हारे पास भाई साहब, मतलब वो 30 तारीख तक आ जाएगी, ठीक है, हो सके तो 30 या 31 को आ जाएगी, मतलब 31 का संडे पड़ेगा ना, हाँ सैटरडे को डाल दूँगा, सैटरडे को व्यू ज़्यादा आते हैं, संडे को लोग घूमने घामने जाते हैं, व्यू कम आते हैं। और वैसे भी तुम जानते हो इस जो मेरा गेम पे है, लोग देख रहे होंगे या जो मर्जी, पर मुझे सच में पता है यार, रियलिटी ना मुझे पता रहती है, लोग नहीं कर रहे पसंद ना, ज़्यादा नहीं कर रहे पसंद, क्योंकि यार 2005 ही गेम है, अब तक कितने जनों ने ही वो करनी होगी ना, क्या कहते हैं उसे, लाइव स्ट्रीम में भी करनी होगी, मेरे पास तो इतना नेट भी नहीं होता लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ ना, तो लगवा नहीं रखा ना यहाँ पे। और वैसे भी इतनी पुरानी गेम है, मुझे पता है व्यू इतने ज़्यादा नहीं आएंगे और लोगों को इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होगा देखने में, क्योंकि जिन्होंने देखनी थी वो देखनी ही पहले, पर ये ज़रूर है मुझे पता है कि आने वाले टाइम में लोग ज़रूर देखेंगे इसको और बहुत व्यू आएंगे इन वीडियो पे भी, क्योंकि आने वाली आगे जो जनरेशन है वो देखेगी, मतलब दुनिया सही रही तो इन द सेंस, ठीक है। अब मैं जो भी बातें कहूँगा तो समझ लेना, साइंस समझ लेना भाई अपने आप की, किस सेंस में कह रहा हूँ, दुनिया बचेगी कि ना बचेगी इस सेंस में, ठीक है। क्योंकि दुनिया अगर मेरे को तो कोई वो नहीं है भाई देखो, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में, जानवरों पे इतना अत्याचार वगैरह हो रहा है, ठीक है, चीज़ें तो बहुत सारी हो रही है, पर मुझे जानवरों का ही जान लगता है यार, क्योंकि जो एक तो उनकी आज़ादी छीन लो तुम उनको पाल के, ठीक है, ऊपर से तुम उनका ध्यान भी मत रखो, कई लोग कुत्ते पाल देते हैं उनका ध्यान नहीं रखते, बाहर छोड़ देते हैं बाद में, अब कुत्ता तो वहीं रहेगा ना हमें ज़िंदगी भर, इससे अच्छा तो हमारा कुत्ता रहता है जंगलों में पैदा हुआ है या सड़कों में पैदा हुआ है, उसको पता है कैसे सर्वाइव करना है वहाँ पे। अब जो कुत्ता तुमने पाल के छोड़ दिया अभी उसको नहीं पता सर्वाइव कैसे करना है, बचपन से जब उसको कंफर्ट जोन मिलना है, जैसे बच्चों को अगर कंफर्ट जोन मिलता है, ठीक है, टीन एज से अडल्ट की एज में, तो नहीं आगे ग्रो नहीं हो पाता वो ना, ऐसे जानवर भी है।
बचपन से वारंट के बीच जाता है ना बंदा, अपनी मेच्योरिटी की तरफ जाता है। उस टाइम अगर वो कंफर्ट जोन में सब कुछ उसको कोई सिखा रहा है ठीक है, और उस टाइम वो नहीं सीखा ना, तो बस वो चूते ही आगे जाके समझ लो इंसान। तो जानवर तो भाई, अब तुम उसको पाल रहे हो, वो तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ है, फिर तुम ऐसे कर रहे हो, बस तुम्हें भी पाप चढ़ रहा है। वो तो अलग बात है कि अभी तुम्हें देखेगा नहीं, बाद में चलता है पता ना, ये जब कर्मों का हिसाब होता है एक साथ होता है। ये पीछे बढ़ गया है हमारे, देखो पता नहीं किस कर्म की सज़ा मिल रही है इस बंदे को जो गेम में दौड़ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर ये सब कुछ, मतलब कहते हैं ना कि अगर जो हम सोचते हैं उसका भी यूनिवर्स बनता है, गेम का भी यूनिवर्स बनना होगा कोई असली में, क्या पता हम भी किसी टीवी टूवी में हो, ऐसे घूम रहे हो, साइड करेक्टर हो कुछ जो फेमस है वो हीरो वगैरह हो, जैसे बिल गेट्स वगैरह है, जब ये जेफ बेजोस और उनकी वहाँ पे वो जनता हो, हीरोज उनको मानते हो जिनको कमाना आता हो, ठीक है बिजनेस वाला टाइप हो कुछ, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं कैसी कैसी थ्योरियाँ चलती रहती हैं मेरे में दिमाग में ना, पर मुझे सबसे अच्छी थ्योरी लगती है वो बताऊँगा मैं तुम्हें कभी, मुझे सबसे अच्छी थ्योरी लगती है अपनी अपनी थ्योरी लगती है मुझे अपनी ना, थ्योरी कह दो थीसिस कह दो, थीसिस पता नहीं क्या कहते यार, अभी रात हो रही है ना वैसे भी, तुम्हें पता है दिमाग मेरा वो हो रखा है रात को टाइम, दिमाग वैसे होता है ना, इंसान झूठ नहीं बोल पाता, सोचने का टाइम नहीं मिलता, मतलब थका हुआ दिमाग है सोचने में लगती है ताकत। मैं वैसे ही हूँ आलसी, कौन सोचे इतना ज़्यादा बहन चो, जो दिन में आ रहा है बक दो आराम से, और क्या। बकने से याद आया मैंने यार उसमें ले लिया, हाँ मैं बिजी एक तरह से इसलिए क्योंकि सुबह से दोपहर तक मैं कॉलेज में रहता हूँ, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया अभी ना, रुको दो मिनट बैठ लूँ सही से। हाँ तो मैंने ना कॉलेज में एडमिशन लिया है, और भाई मेरे को जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना उससे तो कॉलेज तो मतलब ठीक ठाक ही है, क्योंकि पहले भी मैं कॉलेज में था तो मैं बताऊँगा किसी दिन, मेरा एक पर्सनल चैनल भी है अपना ना जिसमें मैं अपना फेस रिवील कर रखा है साफ हूँ तो। हाँ सच में मजाक नहीं है, वहाँ मैं बड़ी बकचोदियाँ करता हूँ, मैं बड़ी बकचोदियाँ बहन चोद, अब देखो गालियाँ भी लेने लग गया मैं, मतलब गाली देता ही था मैं, बीच में रुक गया था मैं ना, क्योंकि मैं वो पढ़ रहा था ना बुके वगैरह ग्रंथों की, तो वो सब पढ़ के यार इतना बंदा हो जाता है ना अंदर से कि मन नहीं करता गाली गुन देने का ना, इस करके अब ठीक है मैंने एक दो हफ्ते से नहीं पढ़ी बुक गाली दिया सार हूँ, पर उस टाइम मन भी शांत रहता है यार, गाली देने का मन क्यों नहीं करता, मन शांत है। अब मन मन में इतना भसड़ सी मची हुई है बहन चोद, देखा अब दोबारा गाली निकलेंगी मेरे मुँह से। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे, तो बता देता मैं भाई, तो ठीक चल रहा, पर मुझे इतना पता नहीं था कि भैया इतना कुछ तो ठीक है मतलब सब्जेक्ट सा कहता हूँ यार, मैंने एडमिशन लिया है एमए में, ऐसे नहीं आता मैं टाइम पास करने के लिए लिया है, वैसे तुम्हें पता ही है मतलब बहुत सारे रीज़न थे, एक तो बिजनेस करके काम कुम देखना पड़ता है, घर के सबसे पास था दूसरा रीज़न, ठीक है तीसरा रीज़न तुम्हें बताया ही होगा मैंने, एक लड़की थी यार मैं पिछली बार गया था ना कॉलेज में, उसी कॉलेज में नहीं आता मैं एडमिशन, वैसे ही क्या बता सर बता दूँ, मैंने चार पांच कॉलेज में एडमिशन लिया, तीन चार यूनिवर्सिटियों में बारहवीं के बाद, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि क्या करना है मेरे को, ऐसी बात है ठीक है। तो अब तुम कह रहे होंगे यार पागल बनती है, जो उम्र दी है जिसको समझ नहीं आ रहा होगा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, और मैंने किसी का पुण्य नहीं मांगा, तो अपना ज्ञान मत छोड़ना कोई सा भैया, इंदी गंधाई है जो उम्र दी है नोड़ा मेरा, ठीक है। तो मैंने एडमिशन लिया बीएससी आईटी नॉन मेड से करी थी मैंने, डिटेल नहीं जाऊँगा ज़्यादा, नॉन मेड से मैंने बारहवीं करी थी। अब नॉन मेड के बाद बंदा जो जो कर सकता है, मैंने बहन चोर पानी किस किस में एडमिशन लिया, लोग सुबह उठ के सोचते होंगे कि भाई कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ, मैं क्या सोचता था बहन चोर सुबह उठ के किस कॉलेज में जाऊँ ये सोचता था मैं, जाता मैं वहीं पे था जहाँ पे अटेंडेंस का मुझे वो नहीं था कि हाँ भाई यहाँ पे अटेंडेंस के वो फीस नहीं लग रही है, क्या कहते हैं अटेंडेंस पे भी पैसे देते रहते हैं ना बहन चोद कॉलेज वाले, मुझे वो नहीं था पैसे तो दे दूँगा मैं बहन चोद दे दूँ कितने दोगे, कॉलेज वालों को भी बहन चोद वही है लूटने में लगे पड़े हुए बहन चोद, अटेंडेंस भी ना लगाओ ठीक है, अटेंडेंस भी हमारी पैसे भी हमारे जा रहे हैं बहन का ना, पेपर देने के लिए भी पैसे दो फिर वो भरो एग्जामिनेशन फीस उसके भी रीअपेयर की भी, हम बहन जो रीअपेयर भी हमारी है पैसे भी हम दे रहे, फिर तो ऐसा होना चाहिए बहन जो अगर पास हो रहे तो अब भी हमें पैसे देने चाहिए है ना भाई,
अब रिपेयर आ रही है अगर हमारी, मेरी नहीं आई, चिंता मत करो मेरी नहीं आई, मेरी कभी नहीं आई रिपेयर, ठीक है। दिमाग मेरा ठीक है, तुम्हें पता नहीं ना इतना, पता नहीं कैसे है मतलब दिमाग ठीक है मेरा शुरू से ही ना, रिपेयर वगैरह नहीं आई कहीं ना कहीं से। पेपर मुझे कर ही देता हूँ मैं इतना ना, मुझे पता होता है कैसे करना पेपर। मैंने पहले पढ़ा था कि कहीं पे हम दिमाग को मतलब दिमाग क्या रे पढ़ा, तुम्हें सब पता चल जाएगा तुम्हें पेपर कैसे देना है कैसे नहीं। अगर तुमने माइंड को समझ लिया, तुमने अपने माइंड को समझ लिया दुनिया में, तो तुमने समझ लो बहन चोद पानी डंडे से झांट के बराबर जितने भी ज्ञान की बातें सब समझ ली तुमने, ठीक है। कैसे पेपर देना है कैसे नहीं देना सब आ जाएगा तुम्हें, दुनिया में कैसे कामयाब होना है कैसे नहीं। और तुम्हें यहाँ तक पता होगा कि अगर तुम रॉन्ग साइड पे जा रहे हो, रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो लाइफ के, ठीक है, तुम्हें पता होगा तुम रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो। कईयों को नहीं पता होता है, महाचूतिए होते हैं ऐसे लोग। हाँ तो मैं कह रहा कॉलेज में एडमिशन लिया है मैं यार, ये तो ये मेरी आदत है, ट्रैक भटक जाता हूँ मैं बातें करते करते ना, गेम इन्जॉय करना कोई नहीं, बातें सुनते रहूँ मेरी सोच के ऊपर ही हो, ठीक है। तो भाई बैटरी है, बैटरी है 14% है, 11 मिनट हो गए, चलो पड़े अभी 11 मिनट और, 20-20 मिनट की अभी वीडियो जहाँ तक। तो यार कुछ तो कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, MM में लिया मैंने एडमिशन, ठीक है, कुछ तो सही है भैया, चलो वो चल रही है, पोएम वगैरह चल रही है, सब कुछ पढ़ा सब कुछ रहे हैं हमें, इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह लंडन डंडन की बातें सारी पढ़ा रहे हैं। पर भाई मैंने एक देखा महाचूतिया इंसान, इसमें ना फिनिश सिडनी दरिया का चूतिया बहन चोद, मैंने कोई मेरा जैसे होता है ना हर एक ग्रुप में दोस्त होता है एक, जिसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की को पता नहीं उसको प्यार हो रखा है अपने दोस्त को, और वो बहन चोद सबको पता है कि दास में उस लड़के वो लड़का उस लड़की को पसंद कर रहा है, तुम्हारा दोस्त उस लड़की को पसंद कर रहा है, सबको पता, लड़की को नहीं पता, लड़की को पता लग रहा किसी और से, उसकी दोस्त से, या तुम जाके बता रहे हो कुछ भी, वो लड़की कभी नहीं मिलती उसको चूतिया को, क्योंकि उसको पता है वो चूतिया है ना, उसको नहीं पता। पर एक टाइम आता है कि हाँ भाई बंदे को ना पता चल जाता है कि हाँ भाई वो चूतिया है। पर भैया यहाँ क्या देख रहा हूँ मैं, इस फिनिश सिडनी को पता ही नहीं बहन चोद कितना बड़ा महाचूतिया है, इधर उधर जाके क्या क्या कह रहा है बहन चोद, लड़की का नाम उछाल दिया एक तो इसने, वो लड़की शादी होगी तब भी चैन नहीं है इसको, इसको पता है ये सब गलत है, फिर लड़की की शादी होगी इसकी भी शादी होगी फिर भी बहन चोद जा रहा है, और ये सब पढ़ाया जा रहा है हमें बहन, तभी तो मुझे पसंद नहीं है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पता नहीं क्या सीखने को मिलेगा बच्चों को इससे। मेरा दिमाग तो भैया शुरू में तो मैं सोच रहा था कोई नहीं, जब पूछा ना कि हाँ तुम्हें, मैं टीचर ने पूछा कि तुम्हें इससे क्या अंदाज़ा मिलता है टाइटन पढ़ के कि क्या होगा, मेरे को लगा भैया लड़की लड़की मर गई होगी उसके उसमें पढ़ रहा उसके वो बस ये मजनू बन के घूम रहा होगा इधर से उधर बहन का दौड़ा, पर नहीं इसकी शादी होगी, उसकी लड़की शादी होगी किसी और से, इसकी शादी होगी किसी और से, ये फिर भी उसके पीछे घूम रहा है माँ चौहर चौद, सब बंदे इसको समझा रहे हैं और उनको पता क्या कह रहा है, मुझे पता है तुम मेरे बंदे के लिए काम कर रहे हो, मेरे लिए ये कर रहे हो वो कर रहे हो समझा रहे हो, मुझे पता है मैं बर्बाद हो चुका हूँ पर मुझे मत समझाओ। ये बहन का थोड़ा पोएम लिख दिया इसने, वो भी छोटी मोटी पोएम नहीं लिखी है, 100 मिनट लिखे है, 11 सॉन्ग है, 11 गाने हैं और 108 वो है पोएम स्ट्रेंजा, वो भी पता है कितनी लाइन की, 14 लाइन की बहन चोद। मैं तो बहन चोद मैं नहीं पढ़ रहा, पढ़ रहा ही सीरियस होकर इसके बारे में, तो आराम से बैठा रहता हूँ उसके पीरियड में, ऐसे बैठे रहो मजाक मजाक करते रहो बहन चोद, कुछ से कुछ पेपर आएंगे बहन चोद, क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं, बस एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा पास तो हो ही जाऊंगा बहन चोद, पिछली बार भी हो ही गया था कम पेपर करके, इतना भी क्या। हाँ हरियाणा से हूँ मैं, कुछ लोग कुछ सोच रहेंगे मर जा बहन चोद, ये भी पता नहीं क्या गंदे समूह वाला आगे सामने, 1900 अच्छा ही है ये, कम से कम किसी लड़की के प्यार में अपना चूते उन्हें कटवा रहा, और एक बात मेरे को बड़ी बेकार लगी यार जिसमें ना, जैसे हम इंग्लिश तुम पढ़ने जाओ ना कहीं पे भी जाओ तो यार इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बता रहे हैं पहली बात, और दूसरी बात बाइबल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाइबल मैंने टीचर को कहा यार बाइबल का एग्जाम्पल क्या, ये जरूरी नहीं पढ़ा के आपने, कह रही कि इस एजुकेशन सिस्टम
रखी हैं ऐसा है। उनमें मैं टीचर की गलती भी नहीं मानता, चलो अब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 20-30 साल से पढ़ा रहे हैं टीचर, ठीक है, एंड पैसे मिल रहे अच्छे खासे, बस कंफर्टेबल लाइफ है भैया अपनी टीचरों की। अब उनकी भी क्या गलती है, एजुकेशन सिस्टम वैसी है, टीचर ठीक है वैसे है, बात PhD के टीचर ठीक ही होते, PhD नहीं है वैसे, PG कोर्स के टीचर हाँ मेच्योर से है, सिपचाक करते रहते हैं, बात करने की तमीज़ है सबसे अच्छी बात। तो मुझे आशा नहीं थी कि टीचरों को पास करने की तमीज़ होएगी यहाँ पे, सुनो अच्छी बात है, हमें क्या भाई जाना है, अटेंडेंस लगा के आ जाना है, मस्ती मुस्ती करनी है, मस्ती तो क्या ही खैर, मस्ती यार होती है दोस्तों के बीच, और सच कह रहा हूँ लड़कियाँ ही भरी पड़ी है क्लास में ना, लड़कियों के साथ नहीं हो पाती यार वैसे ही मस्ती ना, जैसे कुंडे वाली होती है, मूड सा ख़राब हो जाता है, समझ रहे हो ना मूड से मेरा क्या मतलब है, हाँ वही बात ना, मूड वैसे नहीं कि हाँ मूड ख़राब हो गया गुस्सा का सारा ना ना, वैसा नहीं, तो समझ जाएंगे, ये चमकादड़ से बहन जो नीचे रेंग रहे हैं पैर के, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सोचो अगर असली में बहन जो ऐसे कीड़े मकोड़े आ गए दुनिया में तब क्या हाल होगा, और ऐसे ये कीड़े मकोड़े चाकू चुक्कू से नहीं मरते, चाकू तंदवार से नहीं मरने वाले हैं ये बहन के दौड़े, इनके लिए गन ही चाहिए होगी साफ सी बात है, जो इनकी अंदर ही पोटा बहन जो अंदक अंदक कर रहे हैं, ये देख कैसे आ रहा है, अच्छा वो फेंक रहा है ऊपर से, अब देखिए मैंने गेम, मैं लेट के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, अब वॉइस रिकॉर्ड करनी है गेम, तो एडिट करी थी मैंने, कमेंट करके बताओ यार अगर कोई गेम देख रहा है उसको कैसी लग रही है गेम, या मेरी कमेंट्री वगैरह कोई कमी को नहीं, अभी तक किसी ने नहीं बताया है, फीडबैक नहीं दिया ना अच्छा ना बुरा, ना वैसे ही लॉन्ग वीडियो में अभी रेजिडेंट ईविल की डाल रहा हूँ, क्योंकि ना ज़्यादातर एक महीने वो डालनी थी क्लैश रॉयल की, जिसमें फिर वो मिल रहे थे ना कार्ड्स, तो मैं उसमें मैं कितने कार्ड मिले 16,000 पता नहीं कितने 1600 कार्ड कुछ मिले थे, वो डाली थी मैंने, मेरे हिसाब से यार वो वीडियो यूज़फुल है, बट व्यू कम आया, चलो कोई चक्कर नहीं, मैं डांस भी तो है अलग अलग गेमिंग की वीडियो रहा हूँ ना, अगर मैं एक गेम में फोकस करूँ ना तो बात भी है थोड़ी सी, पर क्या करूँ यार फोकस मेरा थोड़ा सा हिंदा हुआ है, मतलब मल्टीटास्किंग बंदा हूँ मैं ना, मल्टीटास्किंग एक साथ ज़्यादा चीज़ें सीखना एक साथ ज़्यादा चीज़ें करना, पर ये मुझे एक चीज़ और सिखाता है, मर गया बहन चो देख, एक चीज़ और बेनिफिट है ना, आने वाले टाइम में मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी फेमस बंदा बन जाऊँगा मैं एक तो, और मतलब अगर सब कुछ ठीक रहा तो, पर यार देखो मर गया ना बहन जो एक बार वन ओवर थ्री होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो बंदे नॉर्मल लाइफ में हैं, मैं भी जैसे अब एक दो हफ्ते से ना मैंने कुछ पढ़ा है सही से, मतलब स्टडी वगैरह नहीं करी, रिसर्च तो करी हुई है मैंने, पर वो सब नहीं पढ़ा मैंने अभी तक ना, फ्यूचर बारे गेम गूम में भी इतना एक्टिव नहीं था, आज ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ देख लूँ तुम्हारे सामने, तो नॉर्मल बंदे को लगता है यार कुछ नहीं हो रहा आसपास ना, मेरे को भी ऐसी लग रहा है कि अब नहीं होगा, पर मुझे पता है कि वो तो मुझे ऐसी लग रहा है क्योंकि भैया मैंने ध्यान ही नहीं दिया उन सब पे, ना मैं न्यूज़ देख रहा हूँ ना मैं उसमें ग्रुप में एक्टिव हूँ भविष्य मंदिर के बारे में, और यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, होगा तो ज़रूर ठीक है, अपने परिवार वगैरह का ध्यान रखना, और चिन मारना इतना उतना मार दो, कोई उल्टा सीधा काम मत करना, बस मेरी एक ही एडवाइस है कि तुम जिसको ही बताया है ना मैंने, भाई देखो साफ सी बात है मुझे पता है कि लोग तो भाई अगर मैं सामने से बता रहा हूँ कि हाँ कोई सामने से हाँ हाँ भी कर रहा है जो मर्जी, जो नहीं जानते यार वो तो मजाक उड़ा रहे हैं पीठ पीछे, या सोच रहे होंगे कैसा स्टूपिड बनता है यार ये, क्या कुछ भी बोलने जा रहे हैं, जो नहीं जानते उनको कह रहा हूँ, जो नहीं जानते मुझको, जो जानते मुझे उनको तो विश्वास है मेरी बात में, क्योंकि मैं जो इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ उखाड़ दिया और क्या चाहिए, पर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये कम उम्र में इतनी कामयाब हो गया, थोड़ा सा ही हुआ हूँ यार ज़्यादा नहीं, तो क्या पता घमंड घुमंड आ गया कुछ ही बक जा रहा है बहन चोद, हैं ऐसा भी सोच रहे होंगे, पर कोई चक्कर नहीं,
मैं तो स्पीच भी दे रही थी कॉलेज में, स्पीच कॉम्पिटिशन था, पता क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गया। तो कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, पर मुझे पता डिस्क्वालीफाई तो ही जाऊँगा ना, मैंने उसकी नहीं करा था। एक तो मैंने रूल्स तोड़े पूरे जम के बहन, जो टीचर के सामने सही दिया ऑडिशन में, सही सब कुछ बंदा वहाँ जाके। पर यार अब देखो ना, मुझे तो मैसेज पहुँचाना था, ये जो मैं पहुँचा रहा हूँ अभी भी, अभी मुझे गेम की कमेंट्री करनी चाहिए। मुझे पता है मुझे गेम की कमेंट्री करनी चाहिए, तभी गेम पे लोग इंगेज रहेंगे या व्यू वगैरह आएंगे। चलो यार गेम पूरी होगी लगता है, मिलते किसी और वीडियो में, ठीक है, होगी ख़त्म नहीं हुई, पड़ी है एक मिनट की, पड़ी है, होने वाली है, देखो तो सुख हो गया स्टोरी। बस ये लड़की भी ठीक है वैसे, पर कोई नहीं है अपने को क्या।